हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बड़े ध्यान से जो कुछ भी हम बताएंगे आप उसको नोट कर लेंगे, और साथ में जो कुछ भी बताएंगे उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, ठीक है? तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए पहला जो हेडिंग है इसमें बच्चों, पहले तो ये कि पिछली क्लास को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, दो दिन हो गए हैं, ठीक है बच्चों? तो जो पिछला जो क्लास था हमारा, पिछले क्लास में हमने लगभग दो या तीन लेक्चर हमने कवर कर लिया है, और उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि उसका फिगर ह्यूमन के मतलब ह्यूमन में पुरुष जनतंत्र में का जो है फिगर हमने ड्रॉ किया था। और साथ में ही स्टूडेंट आपको अगर याद होगा तो हम आपको बता दें तो उसके टेस्टिस वाले पार्ट को हमने डिस्कस किया था, शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है, और साथ में ही उस शुक्राणु को जो है भोजन देने का काम कौन करता है, और शुक्राणु के जाने आने का रास्ता कौन सा होता है, एक एक पॉइंट को हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में बच्चों हम ग्रंथि क्या होता है हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? ग्रंथि या ग्लैंड्स कह सकते हैं अपन, है ना? ग्रंथि तो याद होगा, अगर आपको पिछली क्लास तो आपको याद होगा तीन ग्रंथियों के बारे में हम आपको बताए थे। पहली ग्रंथि कौन सी थी? शुक्राशय। दूसरी ग्रंथि कौन सी थी? प्रोस्टेट। और तीसरी कौन सी थी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना? तो यानी कि जिसको हम इंग्लिश में अगर बताएं तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ही कहते हैं, और उसके साथ साथ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है इसको इंग्लिश में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से ही जानते हैं स्टूडेंट। तो चलिए पहली हेडिंग हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पहली हेडिंग जो है हमारी कौन सी है? शुक्राशय। शुक्राशय जिसको इंग्लिश में बच्चों कहा जाता है सेमिनल वेसिकल। स्टूडेंट यह हेडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हम आपको बताएं, अगर आप आगे जो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम आपको आपसे, तो उसमें इन जो तीन चार हेडिंग हम बताने जा रहे हैं इसमें इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वहां पर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बोर्ड के स्टूडेंट भी इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। शुक्राशय यहां से, शुक्राशय मतलब यह संख्या में दो होता है और एक जोड़ी, मतलब संख्या में दो होगा तो जोड़ी में एक होता है, ठीक है? ठीक है, तो आगे ये लिखेंगे आप लोग इसमें कि शुक्राशय जो होता है संख्या में दो अर्थात एक जोड़ी होता है, और यहां से चिपचिपा द्रव्य का श्रावण होता है। चिपचिपा द्रव्य का श्रावण होता है, ठीक है? चिपचिपा द्रव्य का श्रावण होता है जो वीर्य का, वीर्य मतलब कौन? सीमेन। जो सीमेन का 60% भाग बनाने का कार्य करता है, मतलब जो सीमेन होता है यानी कि वीर्य होता है उसका 60% भाग जो है ये शुक्राशय से, शुक्राशय जो ग्रंथि है इससे निकलने वाला द्रव्य बनाता है। कितना परसेंट? 60% भाग बनाता है बच्चों, ठीक है? और साथ में इस मतलब इस द्रव्य में जो, इस द्रव्य में जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? द्रव्य में जो पदार्थ होते हैं, पहला तो फ्रक्टोज, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिस, और तीसरा सेमिनोजेनिक स्टूडेंट। तो हमने आपको ये बता दिया शुक्राशय से जो पदार्थ निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और ये जो सीमेन होता है उसका कितना भाग बनाने का कार्य करता है। तो आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा कि शुक्राशय संख्या में दो अर्थात एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक है? एक जोड़ी पाया जाता है, यहां से निकलने वाला द्रव्य चिपचिपा होता है, और यह वीर्य का 60% भाग बनाने का कार्य करता है, और इस द्रव्य में फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिंस और सेमिनोजेलिन पाया जाता है, ठीक है? क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिंस और सेमिनोजेलिन पाया जाता है। समझ में आ गया, है ना? समझ में आ गया। अब बच्चों इसके हम कार्य बताते हैं। फ्रक्टोज का कार्य क्या है? फ्रक्टोज जो है पोषण देने का काम करता है। किसको देता है? स्पर्म को।
स्पर्म को पोषण देने का काम करता है, कौन करता है, फ्रक्टोज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिंस जो है वो संकुचन को प्रेरित करता है, ठीक है, ये संकुचन को प्रेरित करता है बच्चों, संकुचन को प्रेरित करता है। और सेमिनोजेनिन जो है यह क्या करता है, वीर को गाढ़ा बनाने का काम करता है, वीर को गाढ़ा बनाने का कार्य करता है। तो बच्चों क्लियर हो गया, ये हिडी बहुत आसान थी और बहुत आसानी से हम आपको समझा दिए, ठीक है। क्या है इसमें, इसमें जो ये तीन वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात मतलब समझिए कि टेस्टिस में जब वो स्पर्म बन रहा था तो उसको भोजन पोषण कौन दे रहा था, ठीक है, पोषण भोजन कौन दे रहा था उसको, सर्डोली सेल दे रहा था, सुरक्षा दे रहा था। लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है कहां पर, जहां पर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जहां पर सेमिनल प्लाज्मा वहां पर आकर मिलता है सीमेन में, ठीक है, यानी कि जो शुक्राणु होता है, तो उसमें जो उसके बाद जो भोजन देने का कार्य होता है वो किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिंस का काम क्या है, संकुचन को प्रेरित करना, और उसके बाद सेमिनोजेनिन का काम क्या है, वीर्य को गाढ़ा करना। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया ये टॉपिक है ना, इरेज कर इसको, चलिए इरेज करते हैं और अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी जो हेडिंग है वो कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि, इंग्लिश में इसको प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, कितनी संख्या में होती है, इसके बारे में हम अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक होती है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक होती है, और यहां से निकलने वाला द्रव्य, यहां से निकलने वाला द्रव्य अम्लीय होता है, ठीक है, कैसा होता है, अम्लीय तथा सफेद, हल्का सफेद लिखेंगे, हल्का सफेद रंग का होता है, ठीक है, यानी यहां से निकलने वाला जो द्रव्य होता है बच्चों वो अम्लीय तथा हल्का सफेद रंग का होता है, और यह वीर्य का 25 से 30% भाग बनाने का कार्य करता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि यानी यहां से निकलने वाला जो द्रव्य है बच्चों वो प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक होती है ना, यहां से निकलने वाला द्रव्य कैसा होता है, अम्लीय तथा हल्का सफेद होता है, और यह वीर्य का 25 से 30% भाग बनाने का कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जो उसको थक्का मतलब जो सीमेंट होता है उसको कोगुलेट करने में मदद करता है, उसको थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। तो यहां से जो पाया जाता है जो पदार्थ उसको वो क्या करता है, उसमें कौन कौन होता है, सिट्रिक एसिड और कैल्शियम होता है बच्चों। तो समझ में आ गया ये पॉइंट, हाँ अब ये बात बता देते हैं हम आपको, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है स्टूडेंट, प्रोस्टेट ग्रंथि जब एक जो आदमी जो बूढ़ा हो जाता है ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट ग्रंथि फूल जाती है, फूलने की वजह से जो यूरेथ्रा का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, ऐसी स्थिति में यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के इजेकुलेशन में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कब होता है, वृद्धावस्था में होता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है, ठीक है। तो यूरिन के पास के लिए डॉक्टर जो क्या करते हैं वहां पर, तब एक नली का प्रयोग करते हैं, नली लगाते हैं वहां पर। तो ये समझ में आ गया होगा सिट्रिक एसिड और कैल्शियम का सिक्रेशन कहां से होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम का सिक्रेशन कहां से होता है, तो किस ग्रंथि से होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होता है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिएगा, नोट डाल दीजिएगा, क्या नोट यही लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे आप, सेमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल तथा लिखेंगे, सेमाइनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले दोनों द्रव्य को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। लगभग ये वीर्य का ये दोनों मिलकर कितना परसेंट भाग बना रहे हैं, लगभग 85 से 90% भाग बना रहे हैं। तो इससे मतलब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले जो द्रव्य होते हैं, ये द्रव्य दोनों जो है, इस दोनों द्रव्य को मिलाकर क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं बच्चों।
तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ स्टूडेंट, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगर आपको नोट करना है तो आप जो है क्या क्या काम किया, वीडियो रोक दिया करिए, रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर वीडियो रोक रोक के आप अपनी हेडिंग को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, हम उसको पढ़ लेते हैं। अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, कंद कंदमूत्र पथ ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो कंद मूत्र पथ ग्रंथि, इसी प्रकार से प्रोस्टेट जो ग्रंथि थी, प्रोस्टेट ग्रंथि की हिंदी पुरस्थ होती है बच्चों, तो पुरस्थ होती है तो ऐसे सिचुएशन में आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि के मतलब इसको हिंदी में कन्वर्ट करके पूछा जाता है तो उसकी हिंदी बता दी पुरस्थ। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो वो मैक्सिमम पूछता है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि हिंदी में लिखकर पूछेगा, ठीक है, इसलिए हम उसको हिंदी में वैसे ही लिखे। इसी प्रकार से कंद मूत्र पथ ग्रंथि को भी आपसे नहीं पूछेगा, वो कभी कभी होता क्या है पूछ भी सकता है, और ये कभी कभी होता भी क्या है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हिंदी में लिखेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है बच्चों। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों हम बता दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंद मूत्र पथ ग्रंथि यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्लैंड, ठीक है बच्चों, कंद मूत्र पथ ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्रंथि, ठीक है। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, काउपर्स ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह संख्या में कितना होता है, दो अर्थात एक जोड़ा होगा, यह संख्या में दो अर्थात कितना होता है, एक जोड़ा होता है, ठीक है, यह संख्या में दो अर्थात एक जोड़ा होता है। और यहां से स्रावित होने वाला द्रव्य जो होता है, यहां से स्रावित होने वाला जो द्रव्य होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, जो स्नेहक का कार्य करता है, जो स्नेहक का तो बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, कंद मूत्र पथ ग्रंथि को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है काउपर्स ग्रंथि, और यह संख्या में दो अर्थात एक जोड़ा होता है। यहां से जो स्रावित होता है द्रव्य वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, और जो स्नेहक का कार्य करता है बच्चों, किसका कार्य करता है, स्नेहक का कार्य करता है स्टूडेंट। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये क्षारीय होता है, तो ध्यान से देखिए, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि जो यूरेथ्रा जो रास्ता है कैसा है, यूरेथ्रा का है, जिसे यूरिन भी पास होता है और जो सीमेन होता है वो भी पास होता है। तो आपको यह भी याद होगा कि उस इसी जगह पर यहीं पर यही वाली ग्रंथि थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसी प्रकार से थी, और उसके बाद मान लेते हैं यहां पर सेमाइनल प्लाज्मा वाला भाग है, जहां से जहां पर जो है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और साथ साथ में आपका शुक्राशय है जिसको सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, इससे निकलने वाला द्रव्य यहां स्पर्म को स्पर्म यहां पर क्या कर गया है, मिल गया है। अब स्पर्म इस यूरेथ्रा वाले पाथ पर आना चाहता है, लेकिन उससे पहले बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, उससे पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो ये ग्रंथि है स्टूडेंट, ये ग्रंथि इस क्षार को मतलब इस क्षारीय द्रव्य को सिक्रीट करती है इस रास्ते में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रास्ते में क्या होता है, यूरिया होता है, क्योंकि यूरिया जब पास होता है तो यूरिया यहां पर प्रेजेंट होता है, और यूरिया कैसा होता है, अम्लीय होता है बच्चों, कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर स्पर्म डायरेक्टली इस रास्ते पर आ जाए तो स्पर्म मर जाएगा, क्यों मर जाएगा, क्योंकि अम्लीय नेचर है इसमें, ठीक है, मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको बचाने के लिए स्टूडेंट क्या किया जाता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से क्षारीय लिक्विड को स्रावित किया जाता है इस रास्ते में, और जब ये क्षारीय लिक्विड इस रास्ते पर आता है तो अम्ली के साथ यानी क्षारीय अम्ली के साथ मिलकर क्षार अम्ली के साथ मिलकर इस रास्ते को कैसा बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं बच्चों, ठीक है, इस रास्ते को उदासीन बना देते। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से निकलने वाला द्रव्य पहले सिक्रीट हो जाता है ताकि ये जो सिक्रीट जो कि रास्ता है वो कैसा हो जाए, उदासीन नेचर का हो जाए, ताकि स्पर्म को कोई नुकसान न हो।
तो समझ में आ गया होगा बच्चों, आज की क्लास इतनी ही थी ग्रंथि के बारे में। हमने तीन ग्रंथि के बारे में बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया आप लोगों को, और यहां से गारंटेड है बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको लगेगा हाँ जो है आप जो पढ़ाए इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से हमसे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक इसलिए है क्योंकि अगली जो हेडिंग है हमारी वो माता जनन तंत्र जिसमें फिगर है उसको समझाना पड़ता है, तो ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी। अभी हम जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को बताया ही नहीं है कि इसका जवाब किसने सही दिया है, किसने गलत दिया है, या फिर ट्यूशन को एक्सप्लेन भी करना था। तो हम आज की क्लास में बच्चों बस यहीं तक पढ़ाएंगे। उसके बाद जो आगे हम बताने जा रहे हैं वो कि जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था 10, उस 10 में किसके कौन कौन से क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं, और साथ में ही स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और इस क्वेश्चन में आप गलती कहां कर बैठे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो परसों क्वेश्चन पूछा गया था दो दिन पहले, तो उसका सही सही जवाब किसने दिया है, तो इसका सही सही जवाब किसी ने नहीं दिया है। हर किसी के 2, 3, 4 क्वेश्चन गलत हैं, किसी के 2, किसी के 1, किसी के 3, किसी के 4 क्वेश्चन गलत हैं, इसलिए किसी का भी नाम हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बच्चों। अर्थात ये हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, लेकिन आप लोगों ने प्रयास किया और बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब भी दिया था। तो थैंक यू सो मच, आप लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चन के जवाब दिए और कुछ नहीं आए तो आपने प्रयास तो किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप प्रयास किए हैं, तो आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यूस बने रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके उसको समझिए कि क्यों नहीं आया मुझको, ठीक है बच्चों। उसको समझना बड़ा जरूरी है कि आपको वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया, कहां गलती कर दी आप। तो हम आज उस गलतियों को बताने वाले हैं, और आज आपका जो 10 क्वेश्चन में से 2, 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन के आंसर गलत हैं बच्चों, उनका उसको सही सही तरीके से हम बताएंगे कि कौन कौन कहां कहां पर गलती कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम हिंदी वाले क्वेश्चन का के बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए, हिंदी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो उस क्वेश्चन में कहीं जो है पूरा जो कुछ भी स्टेटमेंट था उसमें पूछा था कि शुक्राणु को पोषण किस कोशिका द्वारा मिलती है। उसका ऑप्शन नंबर सी थे सही था बच्चों। अगर आप पिछली क्लास अगर पढ़े हैं, अगर वीडियो लेक्चर देखे हैं जाकर, तो 100% आपको ये पता चल गया होगा कि आज की क्लास में जो आंसर दिया था वो जो भी था इसका आंसर वो कौन सा आंसर सही था। तो कौन सा आंसर सही था, सर्टोली सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही था। उसके बाद दूसरे नंबर में वो क्वेश्चन पूरा बहुत लंबा सा क्वेश्चन था, शायद इससे पहले हम उसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं स्टूडेंट। आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो और अच्छी बात है। हाँ वही है कि वो उसमें क्वेश्चन में पूरा क्या क्या एक थोड़ा सा निचोड़ क्या है उसमें, कि यही कि एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 कप भर लेती है, तो आधा कप कब भरी होगी, और हर मिनट में वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। हर मिनट में वो डबल हो रही है, मतलब एक से 2 हो रही है हर प्रत्येक मिनट में। तो जब वो 1 घंटे में 1 कप भरी होगी तो आधा कप कब भरी होगी, तो बच्चों उसका आंसर नंबर डी सही था, 59 मिनट, ठीक है। 59 मिनट था उसमें वो आधा कप रही होगी, क्योंकि हर मिनट में डबल हो रही है, तो 60 मतलब अगले मिनट में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, पूरा कप भर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा 59 मिनट क्या हुआ, आधा, और जब अगला मिनट होगा तो डबल, क्योंकि हर मिनट में क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है बच्चों। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया। देखिए यही सिली मिस्टेक है, यही कहते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन को हम गलत करके चले जाते हैं। क्वेश्चन में जो कुछ भी था उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट उसमें था, क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजित करती होती है तो कितने टेट्राड को बनाती है। अच्छा ये हमको बताइए टेट्राड मतलब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा टेट्राड मतलब होता है 4। तो एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जब वो विभाजित करती है, जब वो विभाजित होता है तो असूत्री विभाजन होता है, पता है आपको असूत्री विभाजन से कितने कोशिकाएं बनते हैं, 4 कोशिकाएं बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। 4 कोशिका बनता है तो 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, 4 को हम क्या बोल सकते हैं, टेट्राड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। जब इसको हम टेट्राड बोल सकते हैं स्टूडेंट, तो कितने टेट्राड बने हैं, एक ना, एक ही बना टेट्राड ना, टेट्राड मतलब 4 होता तो एक ही टेट्राड बना ना, एक जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। बहुत सारे लोगों ने 4 आंसर लगाया,
ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देंगे, आधा हुआ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पूछा है कि जो पराग टिकिया होती है उसको बाजार में किस रूप में मिलती है हमको। तो अधिकतर याद रखिए, पराग से जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है, जैसे मुख्यतः मतलब जो पराग से मेडिसिन भी बनाया जाता है, साथ में हमें खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ में जैसे आप पता होगा जो शहद होता है, शहद भी क्या है, पराग पर ही तो आता है, वहां से जो फूलों का रस लेकर आती कौन, मधुमक्खी। तो पराग से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है और भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका सही था सी वाला, ठीक है। उसके बाद तो पांचवा क्वेश्चन पूछा है तंत्र रूप समुच्चय का कार्य क्या है, कई बार बताए हैं, पढ़ाए, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए आप लोगों को। जो तंत्र रूप समुच्चय होता है वो पराग नली को रास्ता दिखाने का कार्य करता है। चलिए बच्चों, तो हम अब इंग्लिश वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पहला जो उसमें है, 6 वाला क्वेश्चन था, उसमें आपसे पूछा गया था, एक फिगर था, फिगर के एबीसीडी करके उसमें डिकोड किया गया था और उसके बाद उसका आंसर आपको देना था कि ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, डी का नाम क्या है। इसका ऑप्शन नंबर जो था, ऑप्शन नंबर बी से लिखा, जिसमें ए का नाम वास डिफरेंस, बी का नाम सेमिनल वेसिकल, सी का नाम प्रोस्टेट और डी का नाम बल्बो लेटरल ग्लैंड था बच्चों। अगर आप फिगर ड्रॉ किए हो तो आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन था, यानी 7वां क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि द सेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल, यानी पूछ रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, यूरेथ्रा सही था बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो है यूरिन का भी वही रास्ता होता है और जो सीमेन होता है उसका भी वही रास्ता होता है। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था वास इफ्रेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फॉर्म, ठीक है। तो जो वास इफ्रेंसिया होती है वो यह डक्टलेस होती है और ये कहां से कहां तक, मतलब कौन कौन से इससे जो है जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं रेटिटेस्टिस इससे पहले जुड़ता है, उसके बाद वास डिफरेंस इसके लास्ट में मतलब इपिडर्मिस से होते हुए वो जुड़ता है। तो उसका ऑप्शन नंबर सही था कौन सा, बी वाला सही था। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछे, मतलब सॉरी अगला क्वेश्चन जो था उसका, यानी जो क्वेश्चन नंबर 25 लिखा था वहां पर, उसका आंसर, उसका क्वेश्चन पूछा है कि द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पस सर्व्ड इज फॉर, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका हिंदी मतलब समझा दे बच्चों। तो ये कह रहा है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे बाहर क्यों होता है, तो आपको पता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए वो स्क्रोटम में एक मतलब विसरण कोष में क्या होता है, बाहर रहता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके और ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ठीक है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, डी सही था, मेंटेनिंग द स्क्रोटम टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसका क्या था, इसका लास्ट क्वेश्चन जो था वो था कि विच आर द फॉलोइंग डिपिक्टेड द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो इसका पूछा है कि सही रास्ता कौन सा है जो स्पर्म उस रास्ते से होकर आगे बढ़ता है। तो अगर आपको याद होगा तो इंग्लिश में हम पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे बच्चों, पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि इंग्लिश में भी पढ़ाए थे, अगर उसका आंसर अगर आपने नोट किया होगा तो जरूर उसको लिख पाएंगे इसका आंसर सही। इसका आंसर नंबर कौन सा सही था, ए सही था, बताइए। पहले रेटिटेस्टिस, फिर उसके बाद वास डिफरेंस क्या होता है, फिर एपिडर्मिस और उसके बाद लास्ट में वास डिफरेंस। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही था। आई थिंक आप लोग जो है इस सारे क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। स्टूडेंट हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है यहां पर जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वही शायद इसके क्वेश्चन के जवाब को नहीं दे पाए हैं या फिर कहीं पर सिली मिस्टेक कर दिया। अगर आपने लेक्चर देखा तो कहीं हो सकता है क्वेश्चन को समझने में सिली मिस्टेक कर दिया होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट इंग्लिश में देने लगे क्वेश्चन का आंसर तो उनको इंग्लिश थोड़ी सी कम समझ में आई, इसलिए उनके क्वेश्चन आई थिंक गलत हुए होंगे। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप लोगों ने दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रयास तो किया और आज आपको उसका आंसर भी मिल गया कि नहीं हाँ इसका करेक्ट और जो आंसर था वो कौन सा था, है ना बच्चों। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का एक ही दो गलत है, तो उन सभी के लिए क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग इसी तरीके से बने रहे, क्वेश्चन का जवाब देते रहे। तो आज की क्लास इतनी ही थी बच्चों, और जो है अगली क्लास यानी कि कल संडे है, तो संडे के दिन आपके क्वेश्चन
और हमारे यानी आपके जो सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। तो आप जरूर, आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम एक एक जो भी क्वेश्चन होगा आपका, जो भी सवाल होगा, हम उसको पिकअप करेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। कल कोई क्लास नहीं है, पहले क्लियर कर देते हैं। कल आपका संडे है, संडे के दिन आपको जो भी क्यूरीज हुई है पिछले हफ्ते में या फिर प्रॉब्लम हुई है, आप उस क्वेश्चन को जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसको उठाएंगे और जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपके लिए, और आप लोग बने रहें। अगर आप नए हैं फिर से क्लियर कर दें, क्या करना है आपको बता दीजिए, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो कि परेशान है कि पढ़ाई कैसे करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।